नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शैली। आज हम बात करेंगे अकल दाद के बारे में। आपने अक्सर अपनी डेंटिस्ट से सुना होगा कि आपकी अकल दाद टेढ़ी आई हुई है, उसके लिए जगह नहीं है तो उसको निकलवाना पड़ेगा। अब आपने सुना होगा कि आपके पूर्वजों के 32 दांत पूरे होते थे, बट अपने केस में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? देखिए, पहले के टाइम पे जो जबड़े के साइज़ थे वो बड़े हुआ करते थे, तो उसमें 32 दांत पूरे प्रॉपर तरीके से आ जाया करते थे। बट हमारी जनरेशन में टाइम के साथ में जबड़े का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, तो आजकल आपको ये देखने मिलेगा कि या तो अकल दांत बनती ही नहीं है, और अगर बनती है तो उसके लिए वहाँ पे प्रॉपर स्पेस नहीं होता है, जिसकी वजह से या तो वो टेढ़ी आएगी या आधी अधूरी आएगी, या फिर आएगी ही नहीं, बाहर अंदर हड्डी में ही फंस जाएगी। अब इसको निकालने की सलाह क्यों दी जाती है? टेढ़ी होने से या फिर अंदर पड़े रहने से वो अपने पास वाले दांत को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर वो दांत के बिल्कुल जड़ के अंदर है, तो आप ज़रा इस मॉडल में देखेंगे, ये अपने पास वाले दांत की जड़ को नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे में क्या होगा, इस दांत की, पास वाले दांत की जड़ गलनी चालू हो जाएगी, इसमें दर्द, सूजन और भी कई तरह की तकलीफ हो सकती है। ऐसे केसेस में इस दांत को जो कि अंदर पड़ा हुआ है उसे निकालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस केस में दांत पूरे तरीके से हड्डी के अंदर है, तो ये छोटा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें दांत को सुन करके इस हिस्से को कट करके हल्की सी हड्डी भी इसमें हटाई जाती है, फिर इस दांत को निकाला जाता है और यहाँ पर टांके आते हैं। एक बहुत माइनर सर्जरी है, इसमें आपको बेहोश नहीं किया जाता, ये चेयर साइड ही सिर्फ उसी हिस्से को सुन करके कर दी जाती है। दूसरी इसमें इस तरह की सिचुएशन रहती है, जैसे कि आपका दांत आधा बाहर है, जैसे कि आप इस केस में देख रहे हैं, यहाँ पे आपका दांत आधा मसूड़े के अंदर है और आधा बाहर। अब ऐसे केसेस में क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, दांत पूरे तरीके से बाहर नहीं निकला हुआ है, तो यहाँ पे खाना फंसता है। ऐसे केसेस में खाना फंसने की वजह से सड़न पैदा होने लग जाती है, तो और आसपास का जो मसूड़ा है उसमें भी सूजन आ जाती है। तो ये सिर्फ आपके इस दांत को ही नहीं, आपके इसके पास वाली जो दाढ़ है उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि सड़न इस वाले दांत के थ्रू इस वाले दांत पे भी आ सकती है। ऐसे केसेस में भी इस दांत को निकालने की सलाह दी जाती है। एक तीसरी सिचुएशन ये रहती है कि आपका दांत पूरे तरीके से बाहर आया हुआ है, पर फिर भी प्रॉपर सफाई ना होने की वजह से वहाँ सड़न हो गई है। ऐसे केसेस में अगर दांत इस कंडीशन में है कि हम उसे बचा सकते हैं, तब उसे बचा के रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर फिलिंग्स करके भी बचाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि केस में सिचुएशन क्या है, वो आपके डेंटिस्ट आपको सजेस्ट कर देंगे। क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन है? इसमें नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको निकालने की सलाह दी जा रही है तो वो आपके दांत की कंडीशन को देख के ही दी जा रही है, ऐसे में निकलवाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता। अब हम बात करेंगे पिछले सेशन के डाउट्स की। हमारे पास क्वेरी आई थी कि पेरियोडोंटाइटिस जो रहता है, यानी कि पायरिया जो रहता है, उसमें अगर आपकी हड्डी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है तो हम क्या क्या इलाज करवा सकते हैं। देखिए, अगर बोन लॉस बहुत ज़्यादा है, देखिए बोन लॉस कई तरह के रहते हैं, उसमें हॉरिजॉन्टल भी रहता है, वर्टिकल भी रहता है। अगर सीधा सीधा बोन लॉस है तो ऐसे केसेस में इलाज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर वर्टिकल डिफेक्ट है तो ऐसे में क्या करते हैं, हड्डी का चूरा आता है, बोन पाउडर जिसे हम कहेंगे, वो उस हिस्से में डाल के उस हिस्से को वापस बनाया जा सकता है, या फिर किसी दूसरे हिस्से से हड्डी कट करके वहाँ पे लगाई जा सकती है। ऐसे ही जो मसूड़ा होता है आपका, मसूड़े को खींच के वापस उस हिस्से को कवर किया जा सकता है। बेसिकली अब इसका जो मैनेजमेंट है वो पूरा सर्जिकल है, दवाइयों से या फिर ऊपर के इलाज से उसमें आराम नहीं पड़ेगा। इलाज शुरू करने से पहले ढंग से सफाई होगी और फिर किसी तरह का एक छोटा सर्जिकल प्रोसीजर करके उस हिस्से को वापस कवर अप किया जाएगा। और भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स हों या फिर अकल दाद से रिलेटेड कोई डाउट्स हों, तो आप हमें मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।